वेलकम टू माय चैनल स्टडी हेल्प बाय स्वाती। अब हम विलियम शेक्सपियर जो है उनको कंप्लीट कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनके बाय एस के अरोरा जो बुक है इनकी उसके अकॉर्डिंग ये बुक ऐसी है। ये क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है वो इन्हें ही पढ़ लें तो वो भी कहीं ना कहीं जो है पर्याप्त होगा, एनफ होगा। मेनली जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप कुछ नहीं मिल रहा तो परेशान होने की बजाय आप इसी इसको पढ़ लीजिएगा, यही हमारे लिए काफ़ी हो जाता है। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन पहले किए हैं, एक वीडियो में मैं कर नहीं सकती क्योंकि नेट का प्रॉब्लम ज़्यादा है, ब्रॉडबैंड मुश्किल ही लगना है यहाँ पर, तो थोड़ा थोड़ा करके कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, लेट अस बी सेक्रीफाइस बट नॉट बचेस कैश, हु इज द स्पीकर। जूलियस सीजर की ये लाइनें हैं और ये ब्रूटस जो एक मेन कैरेक्टर है, जूलियस सीजर, ब्रूटस, एंटोनियो कैरेक्टर मेन है तीनों ही, तो ब्रूटस जो कैरेक्टर है तो उसकी उसने ये लाइनें कही हैं। एक्ट सेकंड सीन फर्स्ट में ये लाइनें जो हैं कही गई हैं और जो लाइन भी मे भी हमने ट्वेल्थ में पढ़ा था, यूपी बोर्ड के इंटर की जो ट्वेल्थ का है उसमें ये है भी, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था। तो मे भी लाइन जो 179 से 181 की लाइन ये है जहाँ तक मुझे याद है। तो ब्रूटस कहता है कैसे, क्योंकि वो शेक्सपियर को मार सॉरी सीजर को मारना चाहते हैं कि अगर वो होगा कि अगर उसे पहले नहीं मारा जाएगा जब तक वो पावर गेन ना कर ले, उससे पहले मारना उसको ज़रूरी है, नहीं तो बाद में जूलियस सीजर जो है उनकी जो है उनसे बदला लेगा या उनको दुखी कर देगा। या ने कवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, जूलियस सीजर की बात अगर होती है और ये लाइनें नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता। टैग लाइन समझ लीजिएगा इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, फेमस लाइनें हैं। द वैलेंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, किसने कही है, हु सेज, ये जो लाइनें हैं सीजर ने कही हैं और सीजर ने भी किससे कही हैं, तो वो एड्रेस कर रहा है कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया है जूलियस सीजर में उसको एड्रेस कर रहा है। और एक्ट टू और सीन टू की ये लाइनें हैं। नेक्स्ट, सीजर शुड बी ए बेस्ट विदाउट ए हार्ट इफ ही शुड स्टे एट होम टुडे फॉर फियर, हु अदर दिस वर्ड्स, तो सीजर की ही यहाँ पर ये लाइनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव ए मैंस माइंड बट ए वुमेंस माइंड, हु सेज, किसने कही है लाइनें, तो यहाँ पर ब्रूटस, वाइफ पोर्शिया है उसकी, उसने ब्रूटस ने अपनी वाइफ पोर्शिया से कही है। और ये जो लाइनें हैं एक्ट टू और सीन फोर की लाइनें हैं। ओ जजमेंट द वर्ड फ्लीट टू ब्रूटस बीट एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीजन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लाइनें किसने कही हैं, एंटोनी, एंटोनी जो है उसने जूलियस सीजर में ये लाइनें कही हैं। ये जो लाइनें हैं ये एंटोनी की हैं और एंटोनी ने जो कही हैं एक्ट थर्ड में और सीन सेकंड में ये लाइनें जूलियस सीजर की कही है। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो है जूलियस सीजर की। ये भी यहाँ पर ये जो लाइनें ये उसकी मैकबेथ की लाइनें हैं। ये मैकबेथ में जो लाइनें हैं ओपनिंग लाइन है, मीन्स एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट जब स्टार्ट होता है, जो थ्री विचेज यहाँ पर हैं इस प्ले में, ये इसको चैंट करती हैं, बोलती हैं, कहती हैं फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। थ्री विचेज इसमें दिखाई गई हैं, फोर्थ विच लेडी मैकबेथ को कहा गया है इस प्ले के अंदर, तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा कई बार पूछी जाती है कि हु इज़ द फोर्थ विच इन मैकबेथ, तो लेडी मैकबेथ को वो कहा गया है। नेक्स्ट, हैड ही नॉट रिजेंबल्ड माई फादर एज ही स्लेप्ट आई हैड डन इट, लेडी मैकबेथ स्पीक दिस वर्ड, हु इज हियर, किससे कह रही है, तो डंकन से ये लाइन लेडी मैकबेथ कह रही हैं। नेक्स्ट, ए लिटिल वाटर क्लियर्स अप ऑफ हिज डीड, हाउ इज ही इज इट देन, हु इज द स्पीकर, किसने स्पोकन की गई हैं, तो ये लेडी मैकबेथ की लाइनें। लेडी मैकबेथ ने लाइनें कही हैं और एक्ट सीन सेकंड सीन में सेकंड टू में कही है, एक्ट टू सेकंड सीन टू सॉरी सीन टू। यहाँ पर फिर हमारा टू बी, दस इज नथिंग बट टू बी सेफली दस, वो अदर्स, किसने कही है लाइनें, यहाँ ये लाइनें मैकबेथ की कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम फिर इम्पोर्टेंट सा देखें तो थिंग्स विदाउट ऑल रिमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट्स डज डन इज डन, हु सेड,
मैकबेथ। यहाँ मुझे मेरे लिए डाउट क्यों इतने क्रिएट हो जाते हैं, मैं समझ में ही नहीं आता कि इन्होंने मैकबेथ दे रखा है एक्सकेलर ने, तो इन पर भी डाउट नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे जो पता है सही आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो लेडी मैकबेथ जो इसका आंसर होता है कि लेडी मैकबेथ एक्ट थर्ड सीन सेकंड में ये लाइनें कही हैं और वेरी फेमस लाइनें ये हैं, क्योंकि लेडी मैकबेथ एक पॉजिटिव थिंकिंग वाली लेडी रही हैं। पास्ट को भूलकर वो आगे चलने के लिए कहती थी, डंकन मर्डर वगैरह स्टोरी यहाँ पर चलती है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो देखिएगा ये आंसर जो है वो सही हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में मेरे लिए थोड़ा सा डाउट है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा फिर भी ज़्यादा सही है। फिर टू गो ऑन, मैकबेथ्स राइट फॉर शेकिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हु सेज, किसने कही, मैलकॉम ने ये लाइनें कही हैं। यहाँ पर हियर द स्मेल मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट स्मेल ऑफ द बर्ड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट सिट इन दिस लिटिल हैंड। ये फिगर ऑफ स्पीच में ही पूछा जाता है और यहाँ पर ये लाइनें किसने कही हैं, कुशैद लेडी मैकबेथ ने कही हैं ये लाइनें। लेडी मैकबेथ ने भी एक्ट फाइव और सीन फर्स्ट में ये लाइनें जो कही हैं इन्होंने, इसका एक्ट भी ज़्यादातर पूछा जाता है कौन से एक्ट में कही गई हैं ये। ओ व्हाट ए गॉडली आउटसाइडर फॉल्सहुड हैथ हु एंटोनी ट्वेल्थ द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यहाँ से स्टार्ट हो गए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड वेयर डज दिस लाइन अपीयर। तो डी द मर्चेंट ऑफ वेनिस की ये लाइनें हैं, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की यहाँ पर ये लाइनें हैं। और प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है वो रिमार्क करते हैं इस लाइन को पोर्शा के लिए एक्ट सेकेंड सीन सेवन में, और वेनिस स्माइल्स नॉट इन ए हाउस ऑफ टीयर्स वो अटर्थी से इन रोमियो एंड जूलियट, द पेरिस की लाइनें हैं। नेक्स्ट 150, वर्च्यू इज सेल्फ टर्न वाइस बीइंग मिस अप्लाइड एंड वाइस समटाइम्स वाई एक्शन डिग्निफाइड, वेयर डू दे अपीयर, कहाँ की ये लाइनें किसकी, तो रोमियो एंड जूलियट की लाइनें हैं। रोमियो जूलियट पर रेयरली ही क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ ये इम्पोर्टेंट फॉर गया इज द वाइफ ऑफ एंटोनियो, जो फेमस प्लेज है शेक्सपियर की वाइफ या हीरोइन के जो नाम आपको जरूर ही लर्न करने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वो रहते हैं। द बर्ड सी सेट मी लाइक ए वर्निस्थॉन वर्ड ऑन द वाटर, दीज लाइन्स आर अटर्ड बाय एनवरस हु इज द सीयर, कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक कैलिफोर्निया से कह रहा है सेलिब्रिटी। द स्ट्रोक ऑफ डेथ इज एज ए लवर स्पिंच विच हर्ट्स एंड इज डिजायर्ड हु अटर्स, इसकी लाइन है क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा बहुत ही फेमस हीरोइन है, यहाँ इसके बारे में पता होना चाहिए कौन से प्ले की है उन्होंने, किसकी वाइफ है, तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। पोर्शिया भी इम्पोर्टेंट है, मिरिंडा भी और बैट्रिस भी जो इम्पोर्टेंट है, चारों हीरोइनों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कैसे मरी, किसकी वाइफ, किस प्ले की नहीं, तो चारों के बारे में ज़रूरी होता है पता होना। मैं इनके बारे में कई बार आपको बता चुकी हूँ, जो पीछे वीडियो में डाली है डिटेल्स इनकी सबकी मैं बता चुकी हूँ आपको कई बार। स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन, बहुत ही यूजफुल लाइन। वेयर डज दिस लाइन अपीयर, कहाँ है, एज यू लाइक इट की ये लाइनें हैं जो प्ले है शेक्सपियर का। और जो ये लाइनें हैं ये जो स्पोकन की है ये ड्यूक सीनियर ने की है और एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ में कही है, इसका एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ भी आपको याद रखना होगा क्योंकि सीधे सीधे जो ये लाइनें तो सीधे सीधे कई बार पूछी गई है कि किस प्ले की है, चलो ठीक है जो लाइक इट की किसने कही ये भी हमें पता है ड्यूक सीनियर, लेकिन इसका एक्ट जो है अब एक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, एक्ट इसका कही कही अब पूछने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। 4 the apparel of proclaims the man, हैमलेट की लाइनें हैं ये, एज यू लाइक इट की लाइनें हैं जो ये लाइनें हैं। और लाइनें जो कही है सेड बाय रोजलैंड टू सीलिया से वो कहती है और सजेशन उसको देती है कि दैट दे एस्केप द कोर्ट टुगेदर एंड गो टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन कहाँ, किससे रिलेटेड है, यहाँ पे एज यू लाइक इट का एक सेटिंग समझ लीजिए, एक जगह समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन कहाँ पर शेक्सपियर ने यूज़ किए हैं या कहाँ पर सेटिंग की है, किस प्ले में है, तो एज यू लाइक इट की में किए गए हैं। आर ओरेटर्स आर डम एंड ब्यूटी प्लेट, दिस लाइन इज फ्रॉम
द रेप ऑफ लुक्रीज की जो नैरेटिव पोएम है उसकी है। ब्रेविटी दाइस द साइल ऑफ बिट सोल ऑफ बिट द लाइन इज फ्रॉम हैमलेट की लाइनें हैं। और जो लाइनें ये जो लाइनें कही हैं ये पोलोनिश जो है जो हीरोइन का फादर है ओफेलिया का उसने एड्रेस करके कही है। क्वीन जो गर्टीट्यूड है हैमलेट की जो माँ है उसको जो एड्रेस करके कही है लाइनें एक्ट टू सीन फर्स्ट। अब हैमलेट हो मैकबेथ ट्वेल्थ नाइट हो टेम्पेस्ट हो ये चार प्लेस तो ऐसे हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो अब आपको ये उंगलियों पे याद होनी चाहिए कि कौन सी लाइनें फेमस है क्या कैरेक्टर है। ये तो मुझे नहीं लगता कि जैसे इतना टाइम मिला है आपको इतने रट जाने चाहिए इतने याद हो जाने चाहिए कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि हमें एग्ज़ाम में पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। तो ये चार प्ले तो इतने पक्के कर लीजिए पक्के आपके होने चाहिए थे कि बिल्कुल ज़रूरत ही ना पड़े कि हमें पढ़ना है उनको। नेक्स्ट आता है अगर देखिए हुस सिंग द सॉन्ग अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो ब्लो द विंटर विंड इन एज यू लाइक इट पे कौन ये सॉन्ग गा रहा है तो एमिनेंस ये गा रही ऑल द वर्ल्ड स्टेज व्हाट इज एज यू लाइक इट वेरी फेमस लाइन चेक की उसकी लाइनें हैं। हु स्पीक द एपिलॉग इन एज यू लाइक इट में एपिलॉग किसने स्पीक किया है तो रोजलैंड। नेक्स्ट आई एम ए मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिंगिंग दीज लाइन्स आर फ्रॉम किंग लियर की लाइन है। द स्पीकर इज स्पीकर कौन है स्पीकर है किंग लियर। मेन गिल्ट इसका यही था किंग लियर जो था कि उसने अपने बच्चों में अपनी बेटियों में जो फर्क किया और सही से वो न्याय जस्टिस नहीं कर पाया उनको। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन 178 जो हम देख रहे हैं देर इज ए वन प्ले ऑफ शेक्सपियर द पर्टिकुलर थिंग्स अबाउट दिस प्ले इज दैट इट हैज नो प्रोज एट ऑल आइडेंटिफाई रिचर्ड सेकंड। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मैं तो कहूँगी 99% चांस इस क्वेश्चन के तो वो लग ही रहे कि ये क्वेश्चन तो इस बार आ ही सकता है। ये प्ले कि जहाँ पर बिल्कुल भी प्रोज नहीं है नो प्रोज तो रिचर्ड सेकंड है। तो इस क्वेश्चन को इसको देख लीजिएगा पहले भी मैंने पहली वीडियोज में जो आपको बताया है द विंटर टेल हैज नो राइम। अब नो राइम कौन से में है विंटर टेल्स में कोई भी राइम नहीं है। इन हैमलेट देयर आर लाइन से मैंने भी आपको अलग से एक वीडियो बनाई थी जिसमें लाइन दी गई है सबकी बहुत ही क्लियरली बताया है कि किसमें कितने ट्रेजिक कॉमेडी सब में लाइन्स से हमने वहाँ पर देखी हैं विच इज सेड टू बी ए लिरिकल ट्रेजेडी किसको कहा गया इम्पोर्टेंट रिचर्ड सेकंड को ही कहा गया है। लव सिल्वर लॉस्ट क्या है एक लिरिकल फार्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बास्टर्ड अपीयर इन किंग जॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द टाइटल ऑफ लव सिल्वर लॉस्ट इज फ्रॉम कहाँ से लिया गया है फ्लोरियस फर्स्ट फ्लड से लिया गया है ये टाइटल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। 190 विच इज सेड टू बी शेक्सपियर फर्स्ट ट्रेजेडी किसको कहा गया है टीटियस एड्रोनिकस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच प्ले वाज पार्क्ड ऑफ बाय द गन पाउडर प्लॉट मैकबेथ कोरस वाज इंट्रोड्यूस बाय शेक्सपियर इन किसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कोरस को तो किंग हेनरी फिफ्थ में किंग हेनरी फोर्थ रट लीजिएगा याद कर लीजिएगा उसका ज़्यादा जो चांसेस लग रहे हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल किसने सबसे पहले किसका बर्थ होता है विलियम शेक्सपियर अल्टर वर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर ये तो इजी है हमारे लिए। सिंस वी आर नॉर स्टोन ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बॉर्नलेस सी ये लाइन अब मैं कई बार बता चुकी हूँ कि आपको ये जो रोमन अंक होते हैं ये आपको पता होने चाहिए इसके अकॉर्डिंग ये मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है मुझे लगा शॉर्ट में मैंने बताया जो शॉर्ट वीडियो ने उसमें भी तो आंसर हमारा ये होगा। अब आप देखिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है ये मैंने शॉर्ट भी शायद डाली हुई इसकी विलियम शेक्सपियर द थर्ड चाइल्ड ऑफ वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी बेसिक हो जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डन द कॉमेडी ऑफ एरिसन अडेप्टेशन ऑफ ए लैटिन कॉमेडी किससे अडेप्ट किया गया कॉमेडी ऑफ एरिस जो लैटिन कॉमेडी थी क्या नाम था उसका तो ये रहा नेगमियो प्लटस। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड लुक्री टू द अर्ल ऑफ सदम्पटन जो है जो जो रिसले को कहा गया तो उनको डेडिकेट किया गया है ऑप्शन हमारा लगभग
द डार्क लेडी अपीयर्स इन शेक्सपियर के सोनेट में अपीयर होती है डार्क लेडी द स्टोरी ऑफ एज यू लाइक इट हैज बीन टेकन फ्रॉम कहाँ से ली गई है तो लॉज रोजलैंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी लव्स लेवल लॉस्ट वाज रिटन इन इमिटेशन ऑफ किसकी इमिटेशन में लिखा गया लव्स लेवल लॉस्ट को तो लिली की स्टाइल में लिखा गया है फेमिलियर इन हिज माउथ एज हाउस होल्ड वर्ड दीज वर्ड्स अपीयर इन कहाँ की लाइन है हेनरी फिफ्थ शेक्सपियर हैज नो हीरोइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ओनली हीरोइन तो ये है रस्किन ने इनके बारे में कहा है बॉय वेरी फेमस और बहुत मतलब कोई गिनती ही नहीं है कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है द स्पीच टू बी और नॉट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट भी पूछ लिया जाता है किसने कही है किससे कही है सारा इसका पूछ लिया जाता है तो यहाँ तो आज सारा कुछ दिया ही हुआ है टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन इज ऑफ द प्रिंस हैमलेट फ्रॉम द प्ले हैमलेट इट अपीयर्स इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट दाइफ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कई बार अगर 10 बार एग्जाम हुआ है ना किसी का भी नेट वगैरह सब नेट पीजीटी टीजीटी सबको मिला ले तो 10 में से 8 बार ये क्वेश्चन आया होगा वी द म्यूजिक द फूड ऑफ लव प्ले ड्यूक और शिनो ने कही लाइने और किस एक्ट में कही है एक एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में लगे द फ्रेंड्स यहाँ ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है ज़्यादातर देखें हम तो हु रोट मिथ रिचुअल एंड शेक्सपियर स्टडी ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस तो राजीव वर्मा ने लिखा हुआ है हुज बुक इज शेक्सपियर थ्रो स्टर्न इजी अभी क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग सा होता है बिकॉज ऑफ कि आता कैसे कैसे भी आ जाता है शेक्सपियर के हिस्टोरिकल प्लेस एस्पेक्ट ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट वंस मोर शेक्सपियरियन कॉमेडी ए शेक्सपियर मैन्यू ये जो है सब हैं ये सिग्निफिकेंट पब्लिकेशन है किसके एक इंडियन शेक्सपियरियन क्रिटिक हैं ये जो आलोचक होते हैं हु वाज प्रेज्ड जो प्रेज किए गए थे प्रोफेसर इरविंग रिबनर एंड एलाइडिस निकोल द्वारा ये कौन है सुबोध चंद्र सेन गुप्ता सीधा सीधा इनका शॉर्ट में भी एस सी सेन गुप्ता भी लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम में तो ये सब कुछ ये वर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुज वर्क इज शेक्सपियर हिज वर्ड एंड हिज आर्ट तो KRS यंगर का है ये यंगर का है हु रोट इंट्रोडक्शन टू शेक्सपियर इम्पोर्टेंट कुछ हो जाता है हमारे लिए फ्रॉम कर्नाटका पब्लिशिंगेशन हाउस बॉम्बे तो KG पंडित वैसे इंडियन ऑथर्स के जो क्वेश्चन बहुत ही कम ही पूछे जाते हैं शेक्सपियर से रिलेटेड जो इंग्लिश ऑथर्स वगैरह अदर हैं उनके ज़्यादा पूछे जाते हैं लेकिन ये एक इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं हु रोट शेक्सपियर क्रिटिसिज्म एंड एसे सिंथेसिस सी नारायण मेनन हुज वर्क शेक्सपियर लेटेंसिस आर यू नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी पिक्चर्स मैंने बताया हुआ आपकी जो पिक्चर्स सारी मिलेंगी आपको किसी भी इनके टॉपिक चाहे कोई सा भी पढ़ा रही हूँ मैं वो आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेंगी और टेलीग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी तो ये मैं सोचना कि ये रह गया तो हमें तो ये भी पढ़ना था तो आप वहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं देख सकते हैं शेक्सपियर बिकम इज शेयर होल्डर इन द टू ऑफ लीडिंग थिएटर्स बहुत ईजी क्वेश्चन हमारे लिए हो गया द ग्लो एंड द ब्लैक फ्रायर्स जूलियस सीजर एंटोनी क्लियोपेट्रा क्रोनस आर द प्ले दैट हैव द हिस्टोरिकल एलिमेंट बट द स्कॉलर डू नॉट प्लेस दम इन द कैटेगरी ऑफ हिस्ट्री दे आर नॉन किन्होंने मतलब नहीं रखा था हिस्टोरिकल प्लेस की कैटेगरी में ये जो रोमन प्ले ये माने गए हैं किसी ने हिस्टोरिकल एलिमेंट माना है इसमें है होने के बाद भी लेकिन ये रोमन प्ले माने गए और एक और मतलब ये तो क्वेश्चन मुझे लग रहा है पीछे भी आया होता है हु इज द रॉयल क्रिमिनल वीक इन द क्रिमिनलिटी कौन है जॉन हुई द रॉयल सेंट वीक इन सेंटलिनेस हेनरी सिक्स हुई द रॉयल यहाँ ये द हिस्ट्री इज लाइक द ट्रेजेडी आर फॉर द रीडर स्कॉलर ऑफ डिसिप्लिन हु सेड तो ये लाइन हो चुकी है एडवर्ड डॉर्डन ने कही इन शेक्सपियर इन हिज माइंड एंड आर्ट ये आपको वैसे भी ये क्वेश्चन जो अलग से भी करना पड़ेगा कि शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट किसने लिखा है तो एडवर्ड डॉर्डन ने लिखा है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए मर्चेंट ऑफ नथिंग 12th night द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज यू लाइक इट आर क्या है ये तो द मैच्योर कॉमेडीज हैं ये
शेक्सपियर रोमन प्लेज आर बेस्ड ऑन किस पर होते हैं? नॉर्थ ट्रांसलेटर ऑफ प्लूटार्च लाइव्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, ये भी यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1, 2, 4, 3 है। हु कॉल्ड शेक्सपियर ए मेलिफ्लुअस शेक्सपियर? तो थॉमस हेबुड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। हेमलेट्स एक्सपीरियंस सिंपली कुड नॉट हैव हैपेंड टू बी टू ए प्लम्बर। उसे किसने कहा? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जेबी शॉ ने कहा है इन्होंने। हॉइटी टॉइटी इज नीड टू एक्सप्लोर। हु रोड दिस लाइन किसने लिखी? रॉबर्ट ब्राउनिंग इन हाउस में लिखे है द लेस शेक्सपियर ही। हु रोड दिस लाइन है रॉबर्ट ब्राउनिंग की लाइन है, हाउस में उन्होंने लिखी है। विच हिंदी फिल्म? नहीं इतनी इम्पोर्टेंट, वैसे ये हैदर है, हेमलेट पे बनी हुई, एक मैकबेथ पे मकबूल बनी हुई है। ओथेलो इज फेमस, फेमस पर यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। तो क्रूरिटी के लिए फेमस था जो ओथेलो था। एम्बिशन इज फाउंड यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैकबेथ में एम्बिशियस प्ले है मैकबेथ। फिलोसफिक मेडिटेशन इज प्रेजेंट इन फिलोसफिक मेडिटेशन किस में है? तो वो हेमलेट में है। विच कैरेक्टर इज द मेरल सम ओल्ड बोर इन हेमलेट? तो पोलोनेशन ओफेलियन ऑफ फादर। ऑफ कम्फर्ट नो मैन स्पीक लेट्स टॉक ऑफ ग्रेप्स। हु स्पीक दिस लाइन किसने कही है? तो किंग रिचर्ड ने कही इन रिचर्ड सेकंड। रिचर्ड सेकंड का ये आपको थोड़ा सा जरूर पढ़ना है आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है इस बार, ये अदरवाइज ज़्यादा ये आता नहीं है, लेकिन इस बार लग रहा है थोड़ा सा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पर ये सारे प्लेस की सोर्सेज आ गई हैं, वो मैं बता चुकी हूँ किसकी इम्पोर्टेंट है। मर्चेंट ऑफ वेनिस एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर की नहीं इतनी ज़्यादा, हैमलेट है, ट्वेल्थ नाइट है, टेम्पेस्ट है, तो इनकी ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ओथेलो की भी हम देखेंगे इस बार, क्योंकि कुछ प्लेस ऐसे हो रहे हैं कि हाँ डाउटफुल हैं कि ये आएंगे इस बार, क्योंकि मैकबेथ हैमलेट वगैरह इम्पोर्टेंट तो ये है ही, इनमें से क्वेश्चन तो बनता ही है, लेकिन ये है कि ये वाले जो अदर प्लेस हैं इनमें से आपके लग रहा है चांस जो है हाँ आ सकते हैं। द स्टोरी फॉर ओथेलो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेनिस की है इसकी सेटिंग जो है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि रेगिन गॉन्डिल एंड कॉर्डिला आर द डॉटर्स ऑफ किंग लियर की डॉटर हैं ये, कौन सी अच्छी थी कौन सी बुरी थी, ये स्टोरी हमने पढ़ी हुई है, कौन सी मेन हीरोइन थी, इस तरह से जो है स्टोरी तो थोड़ी थोड़ी पढ़नी ही पड़ेगी हमें। किंग लियर भी एक ट्रेजेडी प्ले है। यहाँ क्वेश्चन ये 291 है टीएससी के, ट्रॉट हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। बहुत कई बार का आया हुआ क्वेश्चन है पर बार बार आता रहता है, तो इसलिए जरूरी हो जाता है हमारे लिए। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम किसने लिखा है? टीएस एलियट ने, और मेनली क्या है? एन आर्टिस्टिक फेलियर उसने इसको कहा है जूलियस सीजर के। क्रिटिसाइज क्या है टीएस एलियट ने विलियम शेक्सपियर को, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें वर्ड्स इस तरह के है कि ही इज ए फेमस हिंदी राइटर, ही ट्रांसलेटेड शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस, इट इज़ नोन एज दुर्लभ बंधु नाम से जो है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं उन्होंने मर्चेंट ऑफ वेनिस को लिखा है, तो दुर्लभ बंधु, तो हु इज़ द फेमस हिंदी राइटर? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बेन जॉनसन राइट सोल ऑफ द एज द अप्लॉज, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है शेक्सपियर के लिए, तो इन्होंने कंटेम्प्रेरी थे, इनको प्रेज ही इन्होंने ज़्यादा किया है, इनकी पढ़ाइयाँ ही ज़्यादा लिखी है। हु कॉल शेक्सपियर माई शेक्सपियर एंड आस्क हिम टू राइज एज ही विल लॉज दी बाय चौसर स्पेंसर, बेन जॉनसन। हु कॉल शेक्सपियर स्वीट सॉन ऑफ एवन, बेन जॉनसन। हु कॉल शेक्सपियर डंकन सेवेज विद सम इमेजिनेशन, वॉल्टेयर। तो यहाँ पर द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच हु हैज़ रिटन स्टोरी, टाइटल किसने लिखी है? द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच के ऊपर स्टोरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑस्कर वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड वेरी फेमस ऑथर, एंड ऑस्कर वाइल्ड से भी क्वेश्चन एक दो बन जाते हैं, जो मैंने कई कई बार आपको बता भी दिए हैं, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो डाली है, छोटी छोटी वीडियो में सारे छोटे छोटे टॉपिक तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर थोड़े से ये भी आ जाता है कि ये जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ तो स्किप भी बिल्कुल नहीं करने हैं,
क्योंकि हमें कुछ और नहीं पढ़ना है, हमें अगर यही पढ़नी है वो हम नहीं पढ़ पा रहे, टाइम नहीं है, तो इसकी फिर कोई सा भी क्वेश्चन मत कीजिएगा। यहाँ तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आ रही हूँ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए सबको। जैसे भी प्लेस डायरेक्टेड बाय EA एलआईसी फ्रॉम नेशनल स्क्रिप्ट आता नहीं है, फिर भी किंग लियर है। हु रॉट द पील ऑफ फायर, यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विल्सन नाइट, 1930 का है ये। अब देखिए विलियम शेक्सपियर, विल्सन नाइट आ गया, तो विल्सन नाइट इसका मतलब कंटेम्परेरी जो है, हमें सब कुछ पढ़ना होता है। ये चीज़ मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि अगर PGT के सिलेबस में मान लो जॉन मिल्टन नहीं है, जॉन गैल्सवर्थी नहीं है, तो ये नहीं है कि हम जॉन गैल्सवर्थी को बिल्कुल फिर पढ़ना ही नहीं है। थोड़ी सी बेसिक जो वीडियो मैंने डाली थी कि इतना ही जॉन गैल्सवर्थी का PGT वाले ज़रूर पढ़ लें, तो उन चीज़ों को प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन पीछे ही बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया है, उनका जन्म क्या है, स्टर्फर अपन एवन, तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना ऑन इन अंडर में। ये तो सारे बेसिक क्वेश्चन हमने पीछे कर ही लिए हैं, यहाँ इम्पोर्टेंस आता है क्वेश्चन। शेक्सपियर वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेराइट बट ही वाज नॉट इवन ए ब्राइट, किसने कही ब्राइट एक्टर वो नहीं था, एक्टिंग उन्होंने की थी अपने ही प्लेज में एक्टिंग की थी, पर बेन जॉनसन के प्ले में भी एक्टिंग की थी। एक वीडियो मैंने डाली थी बायोग्राफी से रिलेटेड उनकी, उसमें बताया किस किस में एक्टिंग की, क्या कंडीशन रही, तो पर वो एक्टर जो है अच्छे नहीं बन पाए। हु क्लेम दैट शेक्सपियर डाइड ए पेपिस्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिचर्ड डेविस ए क्लर्जीमैन ने, ही लाइनें कही हैं। देखिए टू व्हाट डू ए क्वाड्रेंट फोलियो ऑफ शेक्सपियर ओरिजिनली रिफर्ड, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादा चांसेस इनके बन जाते हैं आने के, तो साइज ऑफ द वर्क के लिए कहा जाता है क्वाड्रेंट फोलियो का, जो साइज ऑफ द वर्क जो है मैटर करता है, रेफर करता है। वेंट इन द सेकेंड फोलियो, ये भी चीज़ मैंने आपको बताई कि चारों फोलियो के आपको जो है सन पता होना चाहिए बिल्कुल सही से, चारों याद नहीं हो रहे तो पहला और तीसरा तो प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा। यहाँ पर सेकंड पूछा गया है, तो पहला हमें पता है, तीसरा पता है, तो हम सेकंड इजीली कर सकते हैं। 1632 331 अंडर द कार्ड मार्वल ऑफ दाइन ओन स्लीप प्रेयर ट्रेजिडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन, ये विलियम बेस की जो दिस इज रिटन अबाउट शेक्सपियर, कितने लिखे विलियम बेस जो है उन्होंने लिखी है। इफ वी आर मार्क्ड टू डाई वी आर एनो टू डू अवर कंट्री लॉस एंड इफ टू लव, तो किंग्स हेनरी की जो है लाइने उसे दिस इज किंग फिफ्थ में एक्ट फोर्थ सीन्स थर्ड इन्होंने यहाँ पर दे दिया, तो किंग हेनरी की लाइने हेनरी की लाइने। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट, किसने कही, वर्ड्सवर्थ ने भी शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा प्रेज किया है। अवर बॉडीज आर अवर गार्डन्स टू विच अवर विल्स आर गार्डनर्स, तो किसकी जो है ये, द अवर वर्ड्स आर फ्रॉम द स्पीच ऑफ ईगो की लाइन है। ओमकारा तो ओथेलो पे बना हुआ है, जो मूवी बनी हुई ओमकारा बॉलीवुड की। शेक्सपियर इज रिलायंसेस प्ले राइट, ये मैंने एक डिटेल में क्वेश्चन वीडियो बनाई थी एक, कि मैंने बताया था कि जब एग्जामिनर को टफ करना होता तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, कैसे रखता है आपके सामने, सामने रखा होता है सब कुछ, पर कंफ्यूज हो जाते हैं शेक्सपियर का, क्या हमें एलिजाबेथ तो सब बताते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में बताई थी कि एलिजाबेथ पीरियड है शेक्सपियर का या शेक्सपियरियन पीरियड है, ये सब जानते हैं देख, लेकिन रिलायंसेस से कैसे कनेक्शन होता है, तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन हमारा फिर घूम जाता है, तो ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए होगा। ये छोटी छोटी वीडियो भी अगर जैसे देख लेते तो आपको मतलब जो कुछ आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो वो प्रॉब्लम फिर आएगी नहीं, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो में मैं बहुत सारे टॉपिक जो क्लियर कर चुकी हूँ। छोटी में ये भी फ़ायदा रहता है कि ईजिली एक ही टॉपिक तो मुझे लेना होता था तो मुझे मैं उसे और अच्छे से कर देती थी डिपिक्ट। Tomorrow and tomorrow and tomorrow in this pretty pace from day to day. Crypt is syllable. This is an script from Shakespeare Macbeth. Fill in the blank. Fill in the blank करना है, यहाँ पर वर्ड कौन से, यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि जो सोनेट्स वगैरह शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे आपको, ये इंपॉर्टेंट है और ये लाइनें हैं और आपको इन लाइनों के जो हैं जो जो ब्लैंक है भरने हैं, तो ये चीज़ तो बहुत अच्छे से हमने पढ़ ली है। आउट ऑफ ब्रीफ कैंडल लाइफ्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, पर यहाँ भी इन्होंने क्या है, दिस इज एक्सपर्ट फ्रॉम
एक्सर्प्ट फ्रॉम शेक्सपियर मैकबेथ का है, यहाँ पर ब्लैंक करने के लिए पूछ लिया गया। और इस तरह के क्वेश्चन जब एल टी ग्रेड या का आया था तब भी जो सोनेट उसमें कम था सिलेबस, एल टी ग्रेड में कम था सिलेबस, और हाईलाइट किया हुआ था कि ये वाला सोनेट आना है, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन तब ये तरीका जो है वहाँ से एस के अरोड़ा ने जो दिया था, एस के अरोड़ा के में ही मेनली आया था ये तरीका, और वहीं से क्वेश्चन ईजी हो गए थे और पता चल गया था हमें कैसे क्वेश्चन बनना है। तो जिन्होंने वो सही से पढ़ लिया था, जिन्होंने समझ लिया था, उन्होंने एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर ही लिया होगा। हु कॉल शेक्सपियर किंग लियर द मोस्ट एलिमेंटल एंड प्रीमेबल ऑफ ऑल हिज प्ले। तो चार्ल्स स्विनबर्न जो हैं, इनकी जो भी दो तीन ही कोटेशंस इनकी हैं जो फेमस हैं, और वही पूछ ली जाती है अगर स्विनबर्न के बारे में क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा है तो दो तीन कोटेशन से वही बस पूछी जाती है घूम फिर कर, उनमें से कोई एक आ जाती है। हु इज एन हैथवे, ये भी चीज़ मैंने कहा है जो फेमस, जैसे टी एस एलियट है, वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है, जॉन मिल्टन है, ये कुछ ऑथर्स हैं, उनकी वाइफ हो या विलक्ट हो, इनके नाम हमें क्लियर होने चाहिए क्योंकि सीधा सा क्वेश्चन उनकी वाइफ्स के नेम पर भी बनता है। हु इज द पोअर टॉम, इनके क्लियर एडगर। नेक्स्ट, कंडेम द फॉल्ट एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट, हु सेड, किसने कही है। एंजेलो इन मेजर फॉर मेजर मेला ने कही है, यही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है। लेट द डेविल बी समबिन ऑनर्ड फॉर दिस, कहाँ की लाइन है, ड्यूक वेंसेंटिनो इन मेजर फॉर मेजर में कही गई ये लाइन। कैलिबन इन द टेम्पेस्ट इज एसोसिएटेड विद द अर्थ, फॉल स्टॉफ, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। हैंनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट एंड द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में ये एपियर कैरेक्टर होता है। हुज एसोसिएटेड विद मल्टीप्लेस मैलिग्निटी ईगो, यहाँ तक तो ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर क्वेश्चन, जैसे द फ्रेज ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स ऑफ रीड नेचर, शेक्सपियर की द फ्रेज रिफर्स टू, किसको रेफर किया है, ड्राइडन की एनएससी ऑफ पोएजी में, ड्रामेटिक पोएजी में शेक्सपियर को रेफर किया है, तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। हु इज एसोसिएटेड विद टू बी एंड नॉट टू बी, ये तो पीछे आई हुए थे हैमलेट, तो यहाँ तक ये शेक्सपियर के इन्होंने दिए हैं। एस के अरोड़ा के अकॉर्डिंग ये इतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी इन्होंने प्लेस की हिंदी जो स्टोरी है वो थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट में दे रखी है, इंग्लिश में दे रखी है, और जो कोटेशंस वगैरह सोनेट वगैरह की लाइनें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ एक वीडियो में अलग से कि कौन सी इम्पोर्टेंट है, कौन सी हमें पढ़नी ही पड़ेगी, ये मैंने हाईलाइट करके आपको बताई थी कि मैकबेथ की कौन सी कोटेशन ज़रूरी है, और ऐसे इनके सोनेट्स भी आ रहे थे बीच में, सोनेट्स भी आए थे इनके, जैसे ये सोनेट्स आए थे तो वो भी मैं आपको बता चुकी कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा आपको पता होना चाहिए, कौन से नंबर का सोनेट है ये, तो ये चीज़ें तो मैंने एक अलग से वीडियो बना दी थी, और ये तरीका भी बताया था कि हम पहचानना कैसे है क्योंकि 154 सोनेट है, तो मैंने तरीका भी आपको उसमें बताया था कि इस तरह से आपको पहचानने हैं, मेनली कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ हाइलाइट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती है। यहाँ पर ये भी मैंने बताया कि 153 और 154 जो है द लव ऑफ गॉड क्यूपिड को डेडिकेटेड हैं, तो ये रहे वो दोनों, तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब नेक्स्ट हम अकॉर्डिंग टू टी जी डी के सिलेबस ही करेंगे, एस के अरोड़ा का ही पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो ऑथर्स जो वर्क्स हैं बुक्स हैं और हैं उनको कर लेंगे, इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, बाकी इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।